जाने को लेके विजिटिंग में आया हुआ हूँ। हमारे साथ मेघना पुरी, मेघना घाई पुरी हैं। मैं विजिटिंग बुड्स का एलुमनाई हूँ। मैं विजिटिंग बुड्स का जो फर्स्ट बैच था वहाँ से पास आउट हुआ था। और जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं, आई हैड द ऑनर एंड फॉर्च्यून टू कम बैक विद होपफुली इन अ स्मॉल वे, एनकरेज देम, मोटिवेट देम एंड हेल्प देम फॉलो देयर ड्रीम्स। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ आज जानवी और ईशान मेरे साथ आए हैं। हम अपनी फिल्म धड़क को लेके बच्चों के साथ बात करने आए थे, उनके कुछ सवालों को एड्रेस करने, जस्ट एक हमारी जो जर्नी रही है उसे शेयर करने। एंड या इट्स ऑलवेज ग्रेट कमिंग बैक टू विजिटिंग बुड्स बिकॉज एज समथिंग एज समवन हु हैज लर्न सो मच ओवर हियर, इफ आई कैन गिव बैक इन अ स्मॉल वे इट विल बी द लीस्ट आई कैन डू फॉर ऑल द किड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। सो आई वांटेड टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ कि सेट पे यू बोथ क्राइड बिकॉज़ समथिंग वाज सो डिफिकल्ट, या शशांक से डांट पिटी, या यू आर नॉट गेटिंग समथिंग राइट, डू यू हैव अ क्राइड? डांट पिटी? नो पिटी पीट के भी no, I don't think there was any such moment. Yeah. हमने इनको इतना रिहर्स करवा दिया था कि अगर ये सेट पे जाके बोलते ना कि ये नहीं हो रहा है तो मैं उनको लेक पिचोला में धक्का मार दूँ और किसी और को कास्ट कर दूँ। मैं कुछ नहीं करी। कौन सा बायोपिक है? मूविंग ऑन मैम। आप दोनों इतने जबरदस्त कलाकार हैं, आपकी एक्टिंग के बहुत फैंस हो गए हैं, और यहाँ पर जब आप लोग पहुंचे तो क्या रिस्पांस था? क्योंकि जो यंग क्राउड है पूरा का पूरा वो यहाँ पर है, जो सीख रहा है फिल्म बनाना, एक्टिंग करना, फिल्म मेकिंग, कुछ बताइए कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस? ये एक्चुअली हमारे लिए, हम सब के लिए, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन, सबसे मज़ेदार इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि you know, you can tell that they're also interested and they're asking such interesting questions that are making us think and reflect. तो हाँ, बहुत प्यार मिला है यहाँ सब लोगों से, और होपफुली मिलता रहेगा आगे के काम के भी बाद। कोई ऐसा इंसिडेंट जैसे कि अब तक आप, आपकी दूसरी फिल्म रही और जबरदस्त रही है, लोगों से आप सीखते थे, बात करते थे, आज बहुत सारे लोग जो है वो आप दोनों से सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, जी, कुछ ऐसी कोई बात अगर आप चाहते? सीखने के लिए नहीं मैम, पता नहीं, लेकिन इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से बात करते हैं जो फिल्मों के शौकीन हैं, जो फिल्मों के बारे में सीखना चाहते हैं। हम खुद अब हमारे अपने आप को स्टूडेंट्स मानते हैं। शशांक का एक रिश्ता है, वो जुड़े हुए हैं स्कूल से, तो हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत ही स्पेशल है। तो बहुत ही एक्साइटेड थे जब आए, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीदों के भी पार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत मज़ा आया, बहुत खुल के बात की सबसे। फिल्म के बारे में हमने ऐसे इंसिडेंट शेयर किए हैं, ऐसी बातें की हैं जो हम पहले शायद नहीं कर पाए, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उसकी कहानी को प्रोटेक्ट करके रखना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही कमाल का। और हम प्रोसेस के बारे में बात कर पाए, जो कुछ हमारी लर्निंग्स थी विजिटिंग बुड्स में, जो हमें सीखा था, और फिर कैसे मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है अपनी सब फिल्मों में। इनके साथ काफ़ी ऐसे बाकी हैं जो मैंने शेयर किए हैं, जो प्रोसेसेस में सीखा था वो इनके साथ यूज़ किया है, और आज हम उनके साथ डिस्कस कर पाए। काफ़ी बच्चे थे जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि आपने ये शॉट कैसे लिया, कैसे कंसीव किया। काफ़ी एक्टिंग स्टूडेंट्स थे जो मेरे से और इन दोनों से जानना चाहते थे कि जो इमोशंस थे हम उसमें कैसे अपने आप को कमिट कर रहे थे। तो आई थिंक बहुत एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन था हम सभी के लिए, और समथिंग विच इज़ ऑलवेज ग्रेट टू कीप कमिंग बैक, बिकॉज यहाँ आने के बाद एक फिर से मोटिवेशन मिल जाता है कि आप अभी भी स्टूडेंट ही हैं, आप अभी भी सीख ही रहे हैं, और होपफुली जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। अभी आप लोगों का स्टार्स बन गए, तो ऐसी फैन, कोई फैन जिसने आपने सबसे स्वीट चीज क्या की है अभी धड़क के बाद? यलो स्टूडेंट स्टार्स। हां, हम नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, स्टार्स, स्टूडेंट स्टार्स। तो स्टूडेंट्स को तारीफ करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है किसी फैन में? एनी फैन इंटरेक्शन? कांट पिक एंड चूज मैम। मुझे लगता है कि कभी कभार वो छोटी छोटी चीज़ें कह देते हैं जिससे दिल भर आता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बार बार फिल्म देखने जाते हैं हमारे लिए,
उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है. इवन दैट वन कोई कमेंट था ना YouTube पे, या इन्हें सिर्फ एक ही फैन से प्यार है, खैतान का. जानवी किशन डेवलपर सॉरी डॉक्टर, व्हाट इज नेक्स्ट, लाइक आपके आप दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इफ यू कैन शेयर समथिंग टू शो यू, इज एनीथिंग बीइंग प्लानड आफ्टर दैट? We don't know about that, but they will be doing a master class after that. So that's what I can that is confirmed. That is confirmed. मैं भले वो फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको क्या कहते हैं, कंडक्ट करने आऊंगा, कमेमोरेट, कमेमोरेट, मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट करने आऊंगा. अच्छा कॉलेज देखकर ये लगा नहीं कि फिर से वापस कॉलेज जॉइन? सॉरी, वी शुड आंसर. सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन बिफोर? इट वाज लाइक हाउ ओवरवेल्ड वर यू विद द रिस्पांस दैट यू गॉट, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? ओह, व्हाट्स नेक्स्ट? I don't know what's next. hopefully many things will be next. But yeah, the love. क्या कहना चाह रही हैं आपको? कोई offers नहीं आया? Why would we? I like doing this. I can be on the other side, sir. I don't worry, मैं आपका काम करता हूँ. क्या आप ऐसा कहना चाह रही हैं? आपको अभी तक कोई offers नहीं आया? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रही. तो आप बता नहीं सकती? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं बता सकती. Okay, Ishan, anything? Well, hopefully a film soon, but there's nothing that I can talk about just yet, and. It was very overwhelming. It was I think it still is, you know, to this date I'm getting messages and calls, and people are loving the film, and I really hope that it'll be a memorable one. So we have a theme song that played at the end of the session, which our School of Music students have composed, and very sweetly Janvi was humming it, and she changed the lyrics. Yeah. So can you just say that? Too much of love, it we sing. But the actual lyrics are what? Do what you love. I've made it too much of love in Muslims because we've gotten so much. And I think also honestly, sir, अभी तक actually अगर देखा जाए, ऐसा लग रहा है कि हमने धड़क पिछले साल शूट की थी, पर ये जो release को अभी तक सिर्फ 3 हफ्ते भी नहीं हुए, तो हम चल ही रहे हैं हमारा. तो आई थिंक इनके लिए भी इट्स टू अर्ली कि पूरा रिफ्लेक्शन करने के लिए ये कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, बिकॉज आई थिंक हम लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तारीफ़ें मिली हैं, जो क्रिटिसिज्म मिला है, वो सब हम इनफैक्ट हम काफ़ी डिस्कस करते हैं ताकि हम और बेहतर हों, अगली फिल्म में हम और अच्छा काम करें. तो आई थिंक अभी तक वो जर्नी अभी तक वही चल रहा है. तो आई डोंट थिंक सो. मेरी जर्नी तो अभी तक मैं हम यहाँ आ रहे थे व्हिस्लिंग वुड्स, और रास्ते में मैं ये बता रही थी इन दोनों को कि ऐसे लग रहा है कि हम, क्योंकि हमारी फिल्म में मेरी जो कोठी थी, पार्थवी की कोठी, वो सेट यहाँ फिल्म सिटी में लगा हुआ था. तो फिर मैं बता रही थी कि ऐसे लग रहा है कि मैं वापस कोठी पे आ रही हूँ शूट. और अगर हमने उन्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं लाया होता तो वो चली भी गई होती. लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है. मुझे लगता है कि आप चाहे प्रोफेशनल एक्टर बन जाए, लेकिन सीखना हमेशा चाहिए, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं आना चाहूँगा, स्क्रीनिंग्स देखना चाहूँगा फिल्मों की, और डिस्कशंस में बैठना चाहूँगा. मुझे इतना कुछ फासला नहीं लगा मेरे में और स्टूडेंट्स में. मैं अभी भी मानता हूँ कि हम सब स्टूडेंट्स ही हैं फिल्मों के. और एक्चुअली आप जब फिल्म स्कूल वापस आते हैं, रियलाइज करते हैं कि कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं. इनफैक्ट जब हम मैं जानता हूँ, मैं क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, यहाँ का जो वीआर लैब है जो है, वो इनफैक्ट वन ऑफ द दे आर द पायनियर्स इन द कंट्री. वो जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफ देखा था कि आमिर खान साहब आए हुए थे और वो वीआर को एक्सप्लोर कर रहे थे. हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं, नॉट जस्ट एज स्टूडेंट्स बट एज सिनेमा वॉचर्स, की फ्यूचर क्या होने वाला है, कि हम जो स्टोरीज कहना चाहते हैं वो कौन से माध्यम से कह पाएंगे. तो आई थिंक जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट में वापस आते हैं और वीआर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं जो चैतन्य जी हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो मुझे बता रहा था तुम थोड़ा अपना स्टोरी टेलिंग चेंज करो, सोचो तुम वीआर में क्या कर सकते हो. एंड मैं उनको कह रहा था कि आई वुड लाइक टू कम एंड सी अ फिल्म विच इज़ फिक्शन एंड विच इज़ ऑन वीआर, ताकि मेरा भी एक नज़रिया बदले और मैं भी कुछ सोच सकूँ आगे के लिए. How do you, like, everyone says they don't give importance to trolls, you know, but how do you react to online trolls? Abhi recently Meera Rajput was seen in an ad, and online, you know, when she posted the ad, she was, like, lot of negative comments came in, and people are saying that why is she doing an ad, anti-aging ad. So how do you see this whole concept of trolling, online trolling? Aap kaise react? Well, I have an opinion on it. I won't want to expand too much on this, but I do feel like there's a lot of frustration. There are a lot of people who are overly judgmental on the internet. But having said that, everyone has the right to their opinion.
for me, what's important is to be inspired and to keep moving forward and to grow as an artist and as a person. And I don't find negativity helpful in that. So I try and keep myself away from it. Sometimes I find it amusing too. But yeah, try some and of it is funny. Some of it is actually genuinely good jokes funny. They come up with but unfortunately, the larger part of it is humorless and, you know, falls flat. So just let it slip under of, the carpet. A lot of it is like giving a kid a pencil and a blank paper and they keep scribbling. Yeah. You try to decipher karne ki koshish karte ho ki ye triangle or line jo saath mein banaya hai uska kya matlab. I think trolling is like that because some of it is just meaningless. Yeah, but I do think that we should discourage this kind of negativity on social media instead of, you know, we paying heed to, there's, you know, I don't know, for some reason negativity gets a lot of traction even within the media. Discourage it in life only. Yeah. Try and stay as positive as we can. Yeah. Thank you. Sorry, ma'am. Sorry. Next time. Thank you, guys.